इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अराउंड चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स कि किसी भी चार्ज के अक्रॉस वो एरिया जहां तक हम किसी और चार्ज को रखें तो उस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से फोर्स अप्लाई हो तो उसको हम क्या नाम देंगे कि ये जो एरिया होगा ये इस, इस ये एरिया इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि अगर हमारे पास एक चार्ज है तो उस चार्ज के अक्रॉस वो एरिया जिस एरिया में हम कोई और चार्ज रखें टेस्ट चार्ज तो ये और ये चार्ज उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इस एरिया के अंदर अंदर तो क्या होगा कि इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे इस एरिया से बाहर अगर हम चार्ज रखें तो ये चार्ज अगर उस पर अप्लाई नहीं कर रहा फोर्स तो इसका मतलब ये है कि वहां तक इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड है दो चीजें एक स्ट्रेंथ और दूसरा डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितनी है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की और दूसरा उसकी डायरेक्शन क्या है ये दो चीजें इसकी करेक्टरिस्टिक्स में आती हैं द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन दैट फील्ड के जो स्ट्रेंथ है या उस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे दी डायरेक्शन इन व्हिच द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव और TENDS टू मूव इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा या मूव करने की ट्राई करेगा वो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड दी टेस्ट चार्ज इज सो स्मॉल दैट इट डस नॉट डिसऑर्ब द ओरिजिनल फील्ड ड्यू टू द सोर्स कि जो टेस्ट चार्ज है वो इतना स्माल होगा कि उस उसकी फील्ड इस चार्ज को इफेक्ट ना करे यानी कि ये हमारे पास स्ट्रांग चार्ज होगा ताकि इसकी फील्ड में जब हम रखें तो उस चार्ज को टेस्ट चार्ज को तो ये उस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करे ना कि उसकी फ़ोर्स की वजह से ये अपना पोजीशन चेंज करे तो हमें टेस्ट चार्ज को बहुत स्मॉल रखना होता है ताकि उस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से फोर्स अप्लाई हो तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल सी बात है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक लाइन में डिस्कस करना हो तो बेसिकली किस, एक किसी भी चार्ज के क्रॉस वो एरिया वो फील्ड जिसमें किसी और चार्ज को हम रखें और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी नेगेटिव होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो इस एरिया या उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं

इंटेंसिटी कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ सिंगल वेक्टर क्वांटिटी कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फील्ड स्ट्रेंथ एंड इट्स डायरेक्शन एट दैट पॉइंट इज डिनोटेड बाय ई क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बेसिकली सिंगल वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें दो इंफॉर्मेशन होती हैं एक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है और दूसरा उसकी डायरेक्शन क्या है उस फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये दो चीजें पता लग रही होती हैं जब हम किसी चार्ज की फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई e से डिनोट करते हैं इस ई e की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा एक्सप्लेनेशन

वो क्या होगी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी कि इक्वल होगा ओवर के यहां से अगर हम फोर्स देखना कि कितनी है तो एफ इक्वल टू के इसके बाद ऐसा यूनिट क्या होता है ये क्या आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू एफ ओवर के यूनिट चार्ज तो यहां से वो फोर्स देखी थी कि कितनी फोर्स अप्लाई हो सकती है तो एस आई यूनिट क्या है एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम या वोल्ट मीटर वोल्ट पर मीटर तो ये दो यूनिट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूर पॉइंट चार्ज अब हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू योर पॉइंट चार्ज एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों नॉट इज प्लेस डेट इज डिस्टेंस आर फ्रॉम दी पॉइंट चार्ज क्यों पॉइंट चार्ज चार्ज से डिस्टेंस एक टेस्ट चार्ज रखा गया अनेबल्स इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड फॉर एनी पॉइंट इन स्पेस अराउंड फिक्स्ड स्टैटिक चार्ज के एक चार्ज हमारे पास क्यों वन है और दूसरा क्यू टू है और उनके, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर है तो कूलमजिला के मुताबिक हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाता है उसमें दो चार्जेस Q1 और Q2 थे इसमें Q और क्यू नॉट है तो फार्मूला वही रहा Q1 और Q2 की जगह पर Q क्यू नॉट लिख दिया और यूनिट वेक्टर इज दी आर यूनिटर यूनिट वैक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज क्यू टू क्यू नॉट सो इन वैक्टर फॉर्म F इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्कून टू आर कैप बेसिकली वो ये बात कर रहा है कि अगर हम सपोज करते हैं कि आर कैप एक यूनिट वैक्टर है जो कि जिसकी डायरेक्शन केव से क्यू नॉट की तरफ है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से आउटवर्ड जाती हैं पॉजिटिव चार्ज से ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसी में तो जो चार इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस आ, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज नॉट रखेंगे तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपल्जन की फोर्स होगी तो ये चार्ज उस पर रिपल्जन की फोर्स लगाएगा तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा ठीक है तो इस वजह से ये कहा गया कि डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू टू की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी तो एफ इक्वल आ गया केवर ओवर केयर इन टू आर कैप द फील्ड इंटेंसिटी इज अब फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है इसका जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ई इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट यहां पे जो फोर्स की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी केवर आरस केयर इन टू आर कैप ओवर क्यू नॉट इसको सिंप्लीफाई किया तो ये ईक्वल टू के आ जाता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई

यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कैसे करते हैं दी इमेजिनरी लाइंस ऑन व्हिच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि वो इमेजिनरी लाइंस जिन पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड

Source चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ वो मूव करेगा अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर दी पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज कि वो जो टेस्ट चार्ज है वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा सोर्स uh, चार्ज की फील्ड में वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होगी दूसरा पॉइंट एरोज इंडिकेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स एरो इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है डिफरेंट पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं ये हर डायग्राम में एरो मौजूद है जो बेसिकली चार अलग अलग डायग्राम्स हैं ये क्या हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड इसी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल uh, से आपको ये चारों डायग्राम्स डिस्कस करूंगा तो दूसरा पॉइंट हो गया उसके बाद तीसरा है दी लाइन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स जो जो लाइन है वो क्या करती है किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है एक डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है डिफरेंट पॉइंट पे तो उसके बाद चौथा पॉइंट है वैसे आपको ये बता भी दू डायरेक्शन का तो आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक पॉइंट यार जिस डायरेक्शन में मूव करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन वही है जो दूसरा उसने बात की स्ट्रेंथ की तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के दरमियान गैप कम होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान गैप ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी यानी कि चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और जितना दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी फोर्थ पॉइंट है ड्राइंग अराउंड चार्ज हेल्प इन विजुअलाइजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम किसी चार्ज के अक्रॉस लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उससे हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी अब इसके जो चार केसेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं बेसिकली तो हमारे पास ये तीन हैं चार हैं तो बेसिकली जो चार्ज होते हैं वो हमारे पास दो होते हैं एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से देखें तो फॉर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डायरेक्शन ऑफ एरोज इज रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होती है क्योंकि सोर्स चार्ज में हम एक टेस्ट चार्ज के नॉट रखते हैं उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्जन अप्लाई होगी तो ये अवे फ्रॉम दी चार्ज मूव कर जाएगा और जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो वो जो टेस्ट चार्ज है वो टू वर्ड्स दी चार्ज मूव करेगा इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू टू पॉइंट चार्जेस टू पॉइंट चार्जेज में जो पहला केस है इनकेस ऑफ अपोजिट चार्जेस यानी कि दो चार्जेस हो अपोजिट एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो क्या होगा फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज तो जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे जाकर एंड होती हैं ये आप देख रहे हैं तमाम फील्ड लाइंस मौजूद हैं और इसी तरह जब हम हमारे पास सिमिलर चार्जेस हों तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड विच शोज दैट लाइंस ड्यू टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर ये कर्व्ड है तो इसका मतलब ये शो हो रहा है कि ये इधर गई तो इस तरफ मूव कर गई और ये वाली लाइन इधर मूव कर गई तो दोनों के ऊपर सेम चार्जेस था दोनों ने जब मूव किया आउट पर तो वो मिलने के बजाय एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या करेंगे इस तरह की डायग्राम बन जाएगी तो ये बेसिकली क्या है के जब दो सेम चार्जेस होंगे तो कर्व पाथ बनेंगे द मिडिल पोर्शन हैज नो लाइन शोज अ जीरो फील्ड स्पॉट और न्यूट्रल जोन जो मिडिल पॉइंट है अब यहां पे अगर इधर से भी लाइन आते पॉजिटिव और इधर से भी लाइन पॉजिटिव आए तो उन्होंने तो एक दूसरे को रिपेल करना है इस वजह से ये पर या नीचे की तरफ मूव कर जाएंगी तो सेंटर में जो है वो जीरो फील्ड होगी या इसको हम न्यूट्रल जोन भी कहते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं कि लार्ज पैरेलल प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे होंगी तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि टू इन्फीनिटली लार्ज पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस दो इन्फिनेटली लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है दी अपर प्लेट हैज एनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बायर प्लेट है प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और लोअर प्लेट पे ने मौजूद है दी फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव प्लेट जो फील्ड लाइन्स होंगी वो पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव प्लेट पे एंड होंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही शो की जाती हैं दी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई इज़ द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है इसमें हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट है चार्ज भी पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी और वो डाउनवर्ड मूव करेगा और दूसरी रीजन क्या है कि वो, वो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा तो वो जो चार्ज है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा इस वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो भी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी यूनिफॉर्म फील्ड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इक्वली स्पेस्ड एंड पैरल टू इच अदर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इक्वली स्पेस दो यानी कि उनके दरमियान गैप एक जितना हो और वो एक दूसरे के पैरल हो तो इसको हम कहते हैं कि जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड है जैसे कि इन दो प्लेट्स के मिडल में आपको ये स्पेस नजर आ रही है तो जहां पर यूनिफॉर्म फील्ड है अब फ्रिंजिंग फील्ड क्या होती है इफ द प्लेट्स आर नॉट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ अगर ये प्लेट्स जो हैं वो फाइनाइट इनफाइनाइट ना हो फाइनाइट हो तो उसका मतलब क्या होगा फील्ड लाइंस एट द एंड्स ऑफ प्लेट्स विल बी लिटिल बल्गिंग आउट तो जो फील्ड लाइंस होंगी एंड्स पे वो लिटिल बल्गिंग आउट होंगी यानी कि वो स्ट्रेट नहीं होंगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो आएंगी लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेंगी डिस्टेंस से होकर आएंगी यानी कि वो शॉर्टेस्ट पाथ से नहीं आती वो कर्व बना के आती हैं द फील्ड सच एज एट द एंड्स ऑफ द प्लेट्स इज कॉल्ड फ्रिंजिंग फील्ड तो इसको हम क्या कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड का नाम देते हैं और ये ऐसा क्यों होता है ये बेसिकली हमने उसमें देखा है कि जब हमने दो अपोजिट चार्जेस लिए थे पॉजिटिव और नेगेटिव तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने डायग्राम में देखी थी तो वहां पर वो कर्व्ड पाथ बन रहे थे इस वजह से यह कॉर्नर पे कर्व्ड पाथ बनेगा नेक्स्ट जो हमारे पास केस है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन सरफेस ऑफ मेटल प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट ये हमारे पास एक मेटल प्लेट है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होंगी वो हमने देखनी है तो सपोज दैट अ अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड नियर मेटल प्लेट हम सपोज करते हैं कि एक चार्ज प्लस क्यू है और उसको रखा गया है एक मेटल प्लेट के नजदीक ये मेटल प्लेट है नेगेटिव चार्ज है, है इस पे और प्लस क्यू चार्ज हमने इसके नजदीक रखा है दी पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस In the metal plate. The ये उस वक्त तक मूव करेंगे जब तक के वो इस तक ना पहुंच जाए जिसके ऊपर चार्ज प्लस के हुआ है चार्जर दे विल बी एट रेस्ट यहां पर वो रेस्ट में होंगे द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से पास नहीं कर सकती तो देयर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इनसाइड इन कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा इन साइड तो यहां तक हमारा ये टॉपिक था नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं थैंक यू